जैसे गए पहले वो मारने, उसके बाद हम अपना जान बचाए और वो आगे आया और वो जो लाठी लिया था पूरा सर पे ही मारा लाठी। वो पूछने का मौका ही नहीं दिया, हम लोग पहुँचे और लाठी चलाने लगा। सूचना दिया हम लोगों को कि महिला सिपाही दो किसी के कमरे में बंद है, तब हम लोग गए। सिवान में पिता पुत्र के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर दिया। डायल 112 की पुलिस टीम और मुफस्सिल थाने के पुलिसकर्मी पर हमला किया गया है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखराव गांव की है। बताया जा रहा है कि डायल 112 की पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक नशेड़ी पिता नशे की हालत में अपने बेटे के साथ मारपीट कर रहा है। इसकी सूचना पर डायल 112 की टीम लखराव गाँव पहुँची, जहाँ नशेड़ी पिता और कुछ अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद डायल 112 की पुलिस टीम ने मुफस्सिल थाने को सूचना दी। कुछ लोग लाठी डंडे से टीम पर हमला कर दिए हैं और डायल 112 के 2 महिला पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया है। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां असामाजिक तत्वों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। मुफस्सिल थाने की पुलिस और डायल 112 की टीम अपने सभी पुलिसकर्मी के साथ कैसे भी करके मौके से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सूचना मिलने पे उसके बाद हम लोग जैसे गए और पहले वो मारने के लिए दौड़ा, उसके बाद हम अपना जान बचाए और वो आगे आया और वो जो लाठी लिया था पूरा सर पे ही मारा लाठी। आखिर क्यों मारा? वो पूछने का मौका ही नहीं दिया, हम लोग पहुँचे और लाठी चलाने लगा और उसके बाद उनको मार के गिरा दिया। फिर उनको हॉस्पिटल हम लोग भेजे, उसके बाद फिर और पुलिस लोग आए। क्या नाम है आपका? सुप्रिया। 112 पर मैसेज आया कि गांव लकड़ा वाला में एक बाप अपना बेटा से लड़ाई कर रहा है, जो कि गांव जब पिया हुआ था दारू पिया हुआ था डंटा से मारा था। तो हम लोग वहां पर मौके पर 2 लेडीज पुलिस से था, हम जैसे उसके पास पहुंचे उससे ही डंटा से सीधे लेकर के मेरे सर पे मारा भैया। उसके बाद उसे दोबारा पर खुद पीट के मारा, फिर वहाँ से लेडीज पुलिस को निकाल करते हुए हम लोग वहाँ से भागे। कई आदमी घायल है? टोटल 4 आदमी घायल है। 4 आदमी, 4 जवान घायल है। साहब घायल है, साहब घायल है, ठीक है। और 2 आदमी अभी का किस थाना में पड़ जाएगा? मुफस्सिल थाना। 112 पहले गया तो क्या किस मामला में गया था ये हम लोगों को मालूम नहीं है। ड्राइवर साहब जो बेड पर पड़े हुए हैं उनका माथा फटल हुआ है थाना पर। सूचना दिए हम लोगों को कि महिला सिपाही 2 किसी के कमरे में बंद है, तब हम लोग गए। जाते जाते वो व्यक्ति शिव कुमार, क्या नाम है, राजकुमार है, ऊर्जा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उसी में सब लोग घायल हो गए। हमारे प्रमोद बाबू SI हैं, उनको लाठी से मार दिया कपार पर, कपार फट दिया। मतलब क्यों, किस बात की सूचना थी वहाँ पे? अब 112 वाले लोग अपना बता दीजिए। जय श्री प्रसाद सिंह।